रतनपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। वहीं पैरा ट्रूपर्स ने इन आतंकियों को चारों ओर से घेर रखा है। जल्द ही आतंकियों से मुठभेड़ भी हो सकती है ऐसा अनुमान है, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उधमपुर के बसंतगढ़ में अशांति फैलाने के इरादे से आतंकवादी देखे गए थे और तभी से 3 दिन पहले से ही सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पैरा ट्रूपर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सेना के जवान भी डटे हुए हैं। 3 दिन हो गए हैं और अलग अलग गुटों में इन आतंकवादियों को देखा गया है। ड्रोन के जरिए इन्हें स्पॉट किया गया है और अब इस सर्च ऑपरेशन का 3रा दिन है, जहां आतंकवादियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। इलाके में चॉपर्स के जरिए नजर रखी जा रही है। पैरा ट्रूपर्स ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया है। ऑपरेशन ऑल आउट पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बसंतगढ़ में, क्योंकि शांतिप्रिय इलाका था और यहां पर अशांति फैलाने की कोशिश उसकी मंशा से माना यह जा रहा है कि चुनावों से ठीक पहले माहौल बिगाड़ने की मंशा से आतंकवादी इस तरह की हरकत को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें स्पॉट कर लिया गया है और अब गुटों में वो छिपे हुए हैं। समीर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। समीर, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं मौके से? क्योंकि बताया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट पर डटे हुए हैं और हो सकता है कि मुठभेड़ भी इन आतंकवादियों से करनी पड़े। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल आपने सही कहा, हम ग्राउंड जीरो पर है। पहले मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा। आप देखिए हेलीकॉप्टर, जो आर्मी के हेलीकॉप्टर है, लगातार जब से हम सुबह यहाँ पहुंचे हैं, ये डगर एरिया है, बन्नी एरिया, बन्नी तहसील है उसका डगर एरिया, और यहाँ पे ही ये जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मैसिव सर्च ऑपरेशन ग्राउंड पे भी और एरियल सर्च भी की जा रही है। देखिए आप मेरे विजुअल, आप मेरे कैमरामैन आपको विजुअल दिखा रहे हैं, इस वक्त भी आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है लगातार गश्त कर रहे हैं इस पूरे माउंटेन और फॉरेस्ट रेंज में। ये बहुत ही टेरेन एरिया है, बहुत ही हिली और बहुत ही दुर्गम एरिया है ये, और बहुत लंबा फासला भी पैदल तय करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दो ग्रुप्स में आतंकवादी बसंतगढ़ से यहाँ पे आए हैं, वहाँ से भाग के फिर यहाँ पे वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, इसमें आर्मी के साथ साथ SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है परसों शाम से इस पूरे एरिया में, इस बनी के डगर एरिया और आसपास के सभी एरियाज में। और जो पहाड़ी इलाका है, देखिए उस पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हो सकता है ये कहीं जंगलों में छुपे हों, किसी घने जंगलों का सहारा लेके कहीं पहाड़ी इलाके में छुपे हों। तो अब हेलीकॉप्टरों की कल भी हमने देखे बहुत सारे हेलीकॉप्टर यहां पर प्रेस किए गए थे। कई हेलीकॉप्टरों में तो जो आर्मी के जवान थे उनको यहां पर उतारा गया था, जिन्होंने फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आज हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा इस सर्च किए जा रहे हैं। ये जो मैं आपको पीछे ये जो पहाड़ी दिखाना चाहूंगा जैस्मिन, कहा जा रहा है ये जो पहाड़ी है इसके पीछे ही बसंतगढ़ है। अगर आप यहां से पैदल चलते हैं तो इस माउंटेन रेंज के बगल में उसके पीछे बसंतगढ़ एरिया है। और कहा जा रहा है कि बसंतगढ़ में जो एक VDC मेंबर मोहम्मद शरीफ की हत्या करने के बाद ये आतंकवादी इन्हीं रूट से यहां पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि एक यहां पर लोकल आदमी है, उसके घर में ये गए, उन्होंने उनसे खान पान की चीजें मांगी और भी कुछ चीजें मांगी, और उसके बाद पैसा भी दिया उन्होंने। लेकिन जब ये जो शख्स है, इसने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ये आतंकवादी भाग निकलने में वहां से तो कामयाब हुए। कहा जा रहा है कि उनके पास राइफल्स भी हैं और ये कहां गए हैं अब उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और कल से उनके परसों शाम से जब से ये आतंकवादियों का ग्रुप यहां पे पहुंचा है तब से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। यहाँ पे एक लोकल आदमी है, लोकल यंग है, उनसे हम बात करेंगे, इस एरिया में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश्वर शर्मा है, मैं ढग्गर का ही रहने वाला हूँ। आप ढग्गर से? क्या हुआ है ये जो सर्च ऑपरेशन क्यों चला जा रहा है? ये कुछ दिन पहले जहाँ पे आतंक गतिविधि हुई थी बसंतगढ़ के इलाके में, वहाँ पे एक उन्होंने BCD के मेंबर को मारा था, उसके बाद वहाँ पे मैसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो आतंकवादी बसंतगढ़ से भाग के ढग्गर के इलाके, जो पीछे इलाका दिख रहा पहाड़ी इलाका, वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे किसी स्थानीय लोग पे थे, उनको वहां पे उनके घर में आए, वहां से उन्होंने नाम था जो स्थानीय था?
स्थानीय, अभी उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके घर में आए, वहां से उन्होंने वहां से खाने के लिए उन्हें वहां पे शीप भेडू मांगा और उसको काटा बनाया उसको, और उसके बाद उन्हें उसको तीन बर्तन में, बड़े तीन बर्तन में बनाया, और ये भी बताया जा रहा है कि दो उनके खुद के बर्तन थे और एक बर्तन उन्हें मांग के लिए उनसे, और उसको पैसे भी दिए उसके, और उसके बाद वो उन्होंने पैक करके वापस ले गए उसको, पैक करके वो ले गए, और आधे पौने घंटे में वो वापस आ रहे हैं, तीन लोग स्पॉट हुए। और एक और सूचना मिली हुई है कि एक और आदमी को, तीन और शख्स मिले, जब उनने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी, तो देखा जा रहा था कि उनका जो उन्हें शक्लें बताई, मतलब जैसे उनका वो बताया, तो वो अलग अलग था, तो इसका मतलब छह लोग जो हैं वो विजुअल देखे गए हुए हैं, और ऐसे मानना जा रहा है कि शायद 10 से 12 लोग हों, ये मानना जा रहा है, लेकिन छह लोग जो हैं विजुअली स्पॉट हो चुके हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं जहां पे अभी पूरा कल भी हैली की तरफ से जहां पे पैरा कमांडो उतारे गए हैं, और आज भी आर्मी के देखो सर्च, मैसिव सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, कल देर रात तक ये ड्रोन ऑपरेशन भी जहां पे देखने को मिला था, रात को 11 बजे तक ये ड्रोन ऑपरेशन से पूरा एरिया सर्च हुआ था, और आज सुबह से 8:30 बजे के बाद आप हैली से ये पूरा मैसिव सर्च चला हुआ है, और जहां पे दूसरी तरफ से पैरा कमांडो के ये जो एरिया आप दिखाएं पीछे देखने चाहेंगे, तो ये जो एरिया है, इस एरिया से भी आर्मी आ चुकी है, इस एरिया से ही आर्मी आ चुकी है, और इस एरिया से भी अभी आर्मी जा रही है, तो उनके पास अभी एक ही रास्ता बच रहा है, वो है ऊपर पहाड़ियों में, लेकिन ऊपर पहाड़ी में अभी बर्फ है, तो वहां पे जा नहीं सकते हैं, टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंड बहुत है, अगर ऊपर जाते ही भी तो उनको रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली अभी जो हम अनुमान लगा रहे हैं ऐसे लोकल, हम यही कह सकते हैं वो इसी एरिया में छुपे हुए हैं। तो आर्मी का जो जैसे अभी मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और यहां से सूचना मिली हुई है कि बसंतगढ़ से एक और आर्मी की टुकड़ी आ रही है, ये नॉर्थन कमांड और वेस्टर्न कमांड दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस एरिया से चढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आ रही हुई है, और अभी जहां से हमें सूचना मिली है कि जैसे जी हैली का ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन खत्म होता है, उसके बाद ये फिर से ड्रोन ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ लोकल्स का क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले आर्मी थी, उसको हटा दिया गया? जी बिल्कुल, ये जो एरिया है ढग्गर का एरिया, अब ढग्गर बसंतगढ़ लोहाई मल्हार बनी सरथल लवांग का एरिया की बात करें, तो ये एक टाइम पे यहाँ पे काफी आतंकवाद था यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी, जहाँ पे आपको बता दें ढग्गर जिस स्पॉट पे अभी आप खड़े हो, जहाँ पे आगे पीछे नजर गांव है, जहाँ पे चार गवर्नमेंट बिल्डिंगें 2001 में जला दी थी आतंकवादियों ने, उसके बाद यहाँ एरिया में काफी लोगों में डर था, आतंक का बहुत ज्यादा डर था, तो उसके बाद यहाँ पे आर्मी डिप्लाई की गई थी यहाँ पे, तो लेकिन जहाँ पे कुछ सालों में कोई आतंक गतिविधि नहीं हुई, तो वहां से आर्मी को हटा दिया गया, जहां पे ढग्गर में आर्मी थी और उसके बाद ये सरथली में उनका मेन बेस कैंप था, लेकिन वहां से अभी ही 3-4 महीने ही पहले वहां से आर्मी हटा दी गई, और देखो 3-4 महीने में ही फिर से ये आतंक गतिविधि यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। लोग क्या चाहते हैं? डेफिनेटली हम चाहते हैं यहाँ पे आर्मी फिर से आ जाए, देखिए ये एरिया काफी टफ एरिया है, इतना इजी नहीं है कि आर्मी को डिप्लाई करना, जैसे आप कल देख रहे हैं कि जहां से इतना जो सामान है वो हैली के द्वारा उतारा गया है, जहां पे पैरा कमांडोज हैली के द्वारा उतारे गए हैं, ये एरिया बहुत टफ है, जैसे आप भी पैदल चल के आए होंगे, अगर कुछ ऐसी गतिविधि हो जाती है तो आर्मी को इतनी आसानी से मोबिलाइज नहीं किया जा सकता बेस कैंप से, तो हम चाहते हैं कि जहां पे परमानेंट आर्मी रहे, तो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आर्मी क्विक एक्शन ले सके, तो यही हमारी डिमांड हुई है प्रशासन से कि यहाँ पे आर्मी को दोबारा से डिप्लाई किया जाए, और अगर कुछ ऐसा होता है तो आर्मी क्विक एक्शन ले सके। जी जी समीर, देखिये जैस्मिन आपको देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, हेलीकॉप्टर अब उतारा गया है, ये बिल्कुल लाइव विजुअल आप देख रहे हैं, और हेलीकॉप्टरों को इसी तरह से इनकी यहाँ पे उतारा भी जा रहा है, फिर उनकी फिर दोबारा वो सर्च करते हैं, ये लगातार कल भी जो यहाँ लोकल भी कह रहे थे कि कल से लोकल कह रहे थे कि कल भी ये चीज रही, और आज भी सुबह से 8:30 बजे से लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो आर्मी अपनी तरफ से, एसओजी अपनी तरफ से, पुलिस अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि जो आतंकवादी, जिनका शुबा है कि तकरीबन 6 से ज्यादा आतंकवादी दो ग्रुप्स में है, उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। ठीक है, मैंने जिस तरह से कहा बहुत ही टफ एरिया है।